जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जापक संत श्री अनिरुद्ध जी महाराज कहते हैं, जिस मानव को हरि नाम स्मरण का चस्का अर्थात नशा लग गया, वह अनंत कोटि अखिल ब्रह्मांडों की संपत्ति का स्वामी बन गया। क्यों बन गया? इसका कारण है, भगवान को उसने खरीद लिया। जिस प्रकार मीराबाई जी कहती हैं, लियो जी मैं तो लियो गोविंद मोल, कोई कहे चोड़ो कोई कहे छानो, लियो जी बजंता ढोल, कोई कहे सूंगो कोई कहे महंगो, लियो जी तराजू तोल। इसी प्रकार से जो प्रायः हरि नाम पर ही अपना जीवन चलाता है, गोविंद उसका बन जाता है। उसको छोड़कर भगवान कहीं नहीं जाते। संपूर्ण सृष्टियों को रचने वाले भगवान ही हैं। भगवान के बिना सृष्टि में कुछ भी नहीं है। हरि नाम जापक को इसी जन्म में धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसके संसार के सभी काम सुलभ हो गए। जो अनंत कोटि जन्मों से भगवान की गोद से बिछुड़कर भटक रहा था, अब उनकी गोद में जा बैठा। उसने तो अपनी 21 पीढ़ियों को अपने साथ ले जाकर उनका उद्धार कर दिया। जैसा कि भगवान का वचन है कि सतयुग में हजारों साल भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बहुत सा धन लगाकर यज्ञ करने से, द्वापर में बड़ी श्रद्धा से पूजा करने से भगवान दर्शन देते थे, वह कलयुग में कमरे में पंखा हीटर लगाकर शांत चित्त से बैठकर हरि नाम जप करने से ही हो सकता है। कहीं जंगल में जाने की, धूप सर्दी बरसात भूख प्यास सहन करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मानव कितना दुर्भागा है, इतनी सुविधा होने पर भी नाम जप नहीं करता। इसका दंड अवश्य भविष्य में भोगना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में जन्म लेकर असीम दुख भोगना पड़ेगा। कलयुग में करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक ही भगवान को चाहता है। हर कोई धन वैभव नौकरी पुत्र आदि चाहता है, भगवान को कोई नहीं चाहता। कलयुग में भगवान के ग्राहक नहीं हैं। ग्राहकों के बिना भगवान का मन लगता नहीं है। भक्तों से ही भगवान का संसार बनता है। अतः भगवान को भक्तों की बहुत आवश्यकता रहती है। यदि कोई थोड़ा सा भी साधन भजन कर लेता है तो भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि भक्त प्रहलाद अपने सहपाठियों से कह रहे हैं कि भगवान को पाना कठिन नहीं है। भगवान शंकर माँ उमा को कह रहे हैं, जासु नाम जप एक ही बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटही नर ज्ञानी। निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि कोई साधक कान से सुनकर एक माला भी कर लेता है तो भगवान उसे अपना लेते हैं, क्योंकि एक माला में 1728 बार हरि नाम का उच्चारण होता है। इतनी बार भगवान को पुकारता है। लेकिन जप करते हुए मन साथ में होना आवश्यक है। अतः मन के इधर उधर भटकने से भगवान नहीं आएंगे, क्योंकि वे तो अंतर्यामी हैं। भगवान तो हर जगह हर पल मौजूद रहते हैं। पुकारने की देर है, पुकारते ही तुरंत प्रकट हो जाते हैं। जिस प्रकार 1-2 साल का एक शिशु माँ माँ कहकर माँ को बुला लेता है, इसी प्रकार भक्त नाम उच्चारण कर भगवान को बुला लेता है। कितना सुगम सरल साधन है, तब भी मूर्ख मानव अचेत होकर सोता रहता है, समय बर्बाद कर जीवन नष्ट करता रहता है। उसे पता नहीं है कि काल सिर पर मुख फाड़े खड़ा है, अचानक ही मौत आ जाएगी, फिर रोते रोते जाना पड़ेगा। अंतःकरण से पुकारना, मन से पुकारना, मन कान को सटाकर जोड़कर ही होता है।
मन नहीं होगा तो कान सुनेगा भी नहीं। राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कहते हैं मन नहीं रुकता, यह बेकार की बात है। परीक्षार्थी 3 घंटे तक परीक्षा देता है, पर मन न रुकने पर वह फेल हो जाता है। फिर वहाँ मन 3 घंटे कैसे रुक जाता है? इसका आशय यह हुआ कि हरि नाम में लोभ नहीं है, अतः नाम में मन नहीं लगता। हरि नाम के बराबर संसार में कोई लाभ है ही नहीं। लाभ की कछु हरि नाम समाना, जेहि गावहि श्रुति वेद पुराना। हानि की कछु जग में कछु भाई, जपिए न राम जपिए न नाम नर तन पाई। हरि नाम को महत्व देवें तो संसार का कोई काम अधूरा रहता ही नहीं, क्योंकि वह हरि नाम भगवान के शरणागत हो चुका। गीता जी के अनुसार शरणागति ही गीता का प्राण है। शरणागत को भगवान एक क्षण भी नहीं छोड़ते। शरणागति तब ही प्रकट होगी जब मन सहित कान हरि नाम को सुन पाएगा। बार 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 रटने से, भगवान के लिए छटपटाने से अश्रुधारा बहने लगेगी। अश्रुधारा का साक्षात रूप शरणागति ही है। अश्रुधारा न आने पर शरणागति होगी ही नहीं। हिंसक प्राणी भी शरणागत को दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें भगवान विराजमान हैं। हिंसक प्राणी भी मित्र बन जाएंगे। श्री गौर हरि ने उच्च स्वर के कीर्तन का आविष्कार किया। यह कीर्तन भी कान और मन को सटाकर होता है। इस कीर्तन में मन बाहर नहीं जाता। लेकिन थकान बहुत जल्दी हो जाती है। जप में तो घंटों तक थकान नहीं होती। यदि मन से जप हो तो बुढ़ापा आने पर भी बहुत जप किया जा सकता है। जैसे अपने बुजुर्ग संत एक जगह बैठकर 5-5 लाख नाम जप करते थे, उच्च स्वर के कीर्तन पठन से दूर ही रहते थे। अशक्तता के कारण एक जगह बैठकर नाम जप करते रहते थे। मन को रोकने के लिए प्रसाद पाते वक्त नाम जप करते रहना चाहिए, ताकि खून में सात्विकता आरोपित हो जाए, घुल जाए। सात्विकता में मन रुक जाता है, तामस में चंचल रहता है। पानी भी नाम जप करते हुए पिया जाए तो वह चरणामृत बन जाता है। नाम का अभ्यास हर समय करते रहना चाहिए। आदत होने से स्वतः ही नाम अंदर चलता रहता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जो साधक हरि नाम को तत्परता, श्रद्धा व प्रेम से संख्यापूर्वक जपता है, उसको सांसारिक व पारलौकिक संपत्ति बड़ी सरलता से स्वतः ही उपलब्ध हो जाती है। सभी उसके मित्र बन जाते हैं। जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सब कोई। कलयुग में भगवान नाम के अतिरिक्त कोई अन्य आश्रय है ही नहीं। न कलि कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राधे। जय श्री राधे।